सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आप तक पहुंचा दें। ड्रग्स केस से जुड़े अब कितने राजदार और कितने किरदार हैं, इसी को लेकर लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। आर्यन खान से एनसीबी एसआईटी पूछताछ करेगी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आर्यन खान से जुड़ी हुई, जल्द आर्यन खान से पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें, जमानत पर वो रिहा हुए हैं, कई शर्त उनके सामने रखी गई हैं, वो विदेश नहीं जा सकते हैं। इसी के साथ साथ हर शुक्रवार को उनको एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने के लिए भी पहुंचना होगा, उनसे पूछताछ जब भी होगी तो उन्हें सहयोग देना होगा। अब एसआईटी को सौंपे गए हैं 6 केस, उनमें आरोपियों से पूछताछ होगी। उसी में आर्यन खान का भी नाम है, अरबाज मर्चेंट, अजित कुमार, इनसे भी एसआईटी पूछताछ करेगी। वहीं समीर वानखेड़े अब इस जांच से हट चुके हैं, आर्यन खान से अब एनसीबी एसआईटी पूछताछ करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये पूछताछ कब होनी है ये भी अब जल्द साफ हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये तो साफ हो चुका है कि आर्यन खान से पूछताछ होनी है। कमलेश सुतार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलेश, कब होगी ये पूछताछ, क्या जानकारी मिल पा रही है? कमलेश, सुन पा रहे हैं आप? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप आवाज पहुंचे कमलेश तो रिस्पांस कीजिएगा आप। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जल्द आर्यन खान से पूछताछ हो सकती है। समीर खान से भी पूछताछ संभव है, यानी वो संभावित चेहरे जो इसमें हो सकते हैं उनसे भी आने वाले दिनों में पूछताछ हो सकती है, क्योंकि आर्यन खान के चैट भी अब सामने है। उसी को लेकर आगे जांच बढ़ने वाली बात भी कही जा रही है। इसमें अरबाज मर्चेंट, जो कि दोस्त बताए जा रहे थे आर्यन खान के, अजित कुमार, उनसे भी एसआईटी ने पूछताछ की, आर्यन खान से भी पूछताछ एनसीबी एसआईटी जल्द करेगी, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। तो आपको बता दें, आर्यन खान की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। हालांकि थोड़ी राहत उनको इस तौर पे जरूर मिली थी जब उनको जमानत मिली थी, घर पर उन्होंने दिवाली मनाई, लेकिन अब जो जानकारी है कि उन्हें पूछताछ में पूरा सहयोग तो करना था ही, लेकिन अब जानकारी ये कि एसआईटी भी उन्हें पूछताछ के लिए जल्द बुलाएगी और उनसे कई सवाल एक के बाद एक दागे जाएंगे, उनके जवाब भी आर्यन खान को देने होंगे। दरअसल नवाब मलिक अलग इसको एंगल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिरौती के लिए ही आर्यन खान को पकड़ा गया है, लेकिन फिलहाल समीर वानखेड़े, जिन पर कई सवाल उठ रहे थे, उन्हें जांच से अलग किया गया है। हालांकि उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने खुद इनसे इस जांच से अपना इस्तीफा दिया कि वो अभी फिलहाल इस पर जांच नहीं करना चाहते, क्योंकि कई आरोप उन पर लगे हैं, वो उस पर सफाई देना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जल्द आर्यन खान से पूछताछ होगी, ये बड़ी खबर इस वक्त की।